आम मुस्लिम समाज प्रथम इंतजाम सामूहिक विवाह सम्मेलन सिरोहा परिवार पैंतालीस जोड़ों का सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर। काफी भीड़ आ रही है दोस्तों यहाँ पर शादी में। काफी भीड़ दिख रही है आदि मौजूद रहे। इन वकील और दवा के नाम आप लोगों ने दिए हैं वो दुल्हन के पास पहुंच जाए। आज के निकाह का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं और लेडीज के लिए व्यवस्था अलग से है, टोकन सिस्टम है, बिना टोकन एंट्री नहीं है उनकी। इस बात का ख्याल रखें, कार्यकर्ता इस बात का ख्याल रखें। परवेश भाई अंसारी से गुजारिश दोस्तों, सम्मेलन का प्रोग्राम काफी भीड़ यहाँ पर। हेलो जी, गवाह और वकीलों के नाम लिखे रखिए और सरकारी मंच के माध्यम से वो दुल्हन के पास पहुंच जाए। गवाह और वकील और साइकिल का आगाज पुरानी गली से चले जा रहे हैं। बस दो मिनट के बाद साइकिल का आगाज पुरानी गली से करेंगे। हमारे हजार इमाम हजार को थोड़ा कोऑर्डिनेट करें, इनको ये काम करने का उसके साथ संपर्क कराएं। आप इस मंच से के पास गांव और वकील के नाम आप लोगों ने हमें दिए हैं, प्लीज वो अंदर पहुंच जाए। लेडीज के लिए वहां व्यवस्था है, वहां जाइए आप। मैं हजरत दानिश साहब से गुजारिश करना चाहूंगा वो तशरीफ लाए। सामने दूल्हे बैठे हुए हैं और दुल्हनों का पंडाल अलग है। सामने दहेज सामने रखा हुआ है। और हम निकाह पानी का ये प्रोग्राम ये नबी की सुन्नत है, इस सुन्नत को हम बखूबी अंजाम दें और आप हजरात व्यवस्था बनाए रखें। और अब बिल्कुल इस प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से होने जा रहा है, उसी के बाद में इंशाल्लाह निकाहें शुरू हो जाएंगी। आप हजरात कुरान पाक की तिलावत को बगैर समाप्त फरमाएं। दोनों के पास सिर्फ है कि आप ही बैठे। वो जो निकाह में गवाह और वकील है वो दोनों के पास पहुंचे। निकाह का कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हो चुका है और जो हजरात को बार बार इतना दी जा रही है कि दूल्हा दुल्हन की जो निकाह है उन दूल्हा के पास जो गवाह और वकील पास रहे होंगे ताकि ये काम और अपने अपने जो दूल्हा है उनके गरीब पहुंचे। जो हजरात पीछे गेट पर खड़े हुए आप हजरात हम और आप सब मिलकर व्यवस्था छत लोग जाए ताकि स्टेज पर भीड़ ना हो और ये निकाह का प्रोग्राम भी शुरू हो जाए।
से गुजरना चाहेंगे जो गेट पर भीड़ है उसको बंद कम कर दे, इस तरह की आओ ऐसा न होने दे, ऐसे तरीके से कार्यक्रम को चलने दे। कार्यक्रम सहयोग साबिर भाई जोया से मेरी गुजारिश है ओलंपिक हजरात को भेजे और गेट के आगे से भीड़ कम करे। दोनों के पास स्टेज पर सिर्फ एक ही आदमी बैठे, दोनों के पास सिर्फ एक ही आदमी बैठे और दोनों के पास दो आदमी बैठे, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करे। दोनों के पास एक ही बैठे और दोनों के पास दो लेडीज बैठे। आप दरबार सुनिए, रोज इनके दुला दुला के गवाह वकील है वही पहुंच जाए, दुला दुला के तो गवाह वकील है वो अपने अपने दूल्हे के पास पहुंच जाए, कमर कमर दिए पहुंच जाए। मेरे साथी प्रेसिडेंट सिंहासन के संस्थापक मोहम्मद नौशाद खान मेरे टीम के अंदर बेसो से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ में मेरे साथी मोहम्मद फिरोज सीओ मोहम्मद फिरोज शिकारा बैठे हुए हैं। मॉनिटर हजार यहाँ से एक तरफ बजाए मॉनिटर हजार मेरे कार्यकर्ता इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई अपने कार्यकर्ताओं को भी लेकर साइड में हो सकता है, ये जो बैठे हुए अपने सब कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े थे। सोचक चेतारण पर रायपुर जो भी हमारे बाहर के मेहमान आजाद आए हुए हैं तो वो अगर तस्वीर ले आए हो तो या तो आप हमसे यहाँ पर काउंटर पर संपर्क करें या हमारे फारूक भाई काका संपर्क करें। बाहर से जा भी हमने मेहमानों को कार्ड दिए हैं, मुस्लिम युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में इस आयोजन के तत्वाधान में जो आपको दावतनामा दिया गया है उस दावतनामा पर आए हुए सभी हजरात है जिनका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। पाली शहर की सभी मुस्लिम तंजीमें, पाली शहर की सभी मुस्लिम तंजीमें आप सभी मेहमानों का तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। और हमारे आयोजन कर्ता कमेटी मुस्लिम युवा फाउंडेशन जिसके अध्यक्ष अली सराफ मेहराज अली चूड़ीगर, मेहराज अली चूड़ीगर और हमारे आयोजन कर्ता में हमारे मेहमान पार्टी जो खाना खा चुकी है जिन्होंने मेरी माँ बहनों से गुजारिश है जिन्होंने खाना खाना खा लिया है, खाना खा लिया है तो पंडाल के एक पर हमने चंबू लगा रखा है, टेंट लगा रखा है, व्यवस्था आगे उन माँ बहनों की समझा में समझा आगे भगवान अंदर माँ बहनों प्यास चंबू लगा रखा सम्मेलन में खाना चिकन बिरयानी के साथ मुक्ति। खाने का पंडाल है यहाँ पर खाना चल रहा है पूरा सम्मेलन का। बैठ जाए और ये पहला बाइट लेते हुए तंजीम खान कैसा है? एक नंबर आयोजन करता हूँ खा के जाएंगे। साजू भाई मंच के पास आ जाए, बाद मोहम्मद साजू भाई आप मंच आके संपर्क कर लें। खाने के बाद पानी की सुविधा और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगे हुए और इधर ये बाथरूम बना हुआ है पानी पेशाब करने के लिए और खाना भी एक नंबर बना हुआ था चिकन बिरयानी और लुकती थी। Thank you.
की पूरा खाने का ग्राउंड है यहाँ पर। सारे सम्मेलन में आए हुए बाहर के मेहमान जो बारातों में आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है और खाना भी अच्छा बना हुआ है, चिकन बिरयानी। और ये शहजाद खाना खा रहा है। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर खाने पीने के लिए और इतनी सारी पब्लिक आराम से यहाँ पर बैठकर खाना खा रही है। यहाँ पर 43 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है, निकाह का सम्मेलन। और ये हमारे जीजा जी भी बैठे यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको बिरयानी? कैसे पानी गिरा देंगे, गीला कर देंगे, वो रहा उधर कैंपर लगे हुए। तो इनकी शिकायत है इनको यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, व्यवस्था थोड़ी सी पानी की व्यवस्था की कमी हो रही है। पानी वहाँ पर साइड में रखा हुआ है कैंपर में, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर खाना खा रहे हैं वहाँ पर पानी की सुविधा थोड़ी असुविधा हो रही है। तो इनको पानी की सुविधा के लिए मैंने बोला कि आपको लाके दे देता हूँ। थोड़ी समस्या लग रही है लेकिन बड़ा प्रोग्राम है इसमें, सही है। खाना भी बहुत अच्छा शानदार खाना बना हुआ है। अल्लाह इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत अता फरमाए और आगे भी ऐसे प्रोग्रामों को अंजाम देते रहे। लोग खाना खा के बाहर पंडाल से बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद में निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। सम्मेलन का प्रोग्राम हमने देख लिया है, खाना पीना हो गया हमारा और शादियाँ निकाह भी हो गई है यहाँ पर। जिन हजरात ने खाना खा लिया है उनसे बहुत बड़ा गुजारिश पाया, शुक्रिया। और खाना छुटा नहीं छुटे, ये मामला अंदर से खाली है, खाना छुटा छुटा है। खाली है, ख्याल रखें।